हे गाइस, तो कैसे यार आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड घर पे सेफ होंगे। तो यार काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि आप इनफाइनाइट डिज़ाइन का आप कौन सा वर्ज़न यूज़ करते हो, आप पेड वाला नया वर्ज़न यूज़ करते हो या फिर पुराने वाला। तो यार इन दोनों एप्लीकेशंस में क्या ग्लिच है, कमियाँ हैं और इनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं? तो यार जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम पूरा आर्टवर्क बना लेते हैं और एकदम से एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, और कभी कभी हमारी आर्ट की जो सारी लेयर्स होती है वो गायब हो जाती है अचानक से। तो यार जिससे हमारा पूरा आर्टवर्क लगभग ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम डिमोटिवेट होकर आर्ट बनाना बंद कर देते हैं। और यार इनफाइनाइट डिज़ाइन एप्लीकेशन में और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो यार आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, नया वर्ज़न या फिर ओल्ड वर्ज़न? तो यार आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं अपने स्टाइल में। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इनफाइनाइट डिज़ाइन का न्यू वर्ज़न यूज़ करता हूँ जो कि पेड है, और मेरे एप्लीकेशन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है वैसे कभी कभार। तो यार जो फर्स्ट नंबर की प्रॉब्लम है वो है बग्स की। तो यार आपने बग्स वाली प्रॉब्लम तो ज़रूरी फेस की होगी, तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ बक्स की प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे हम टेपर्ड ब्रश से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे हम कभी आउटलाइनिंग करते हैं टेपर्ड ब्रश से, या फिर हेयर्स वगैरह और भी कुछ बनाते हैं अपन टेपर्ड ब्रश से, तो इसमें होता क्या है कि जैसे भी हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं एक बार, फिर जब दोबारा ओपन करते हैं तो इसमें मतलब लगभग सारी जगह बक्स जैसा कुछ बन जाता है। जैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे ऐसे किनारे पे ऐसे मतलब ऐसा कुछ बक्स टाइप में ऐसा बन जाता है, या कभी कभी ये ऐसे घूम के ऐसा ऐसा हो जाता है, मतलब जो भी हो इसकी शेप बिगड़ जाती है मतलब लगभग सभी जगह से, तो जिससे मतलब पूरा आर्ट वर्क ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, फिर हम उसे पूरा ही डिलीट कर देते हैं। तो यार वैसे तो ये प्रॉब्लम्स लगभग जो पुराना वर्जन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, नए नए वर्जन में तो बहुत ही मुश्किल से कभी कभार आती है, नहीं तो ज़्यादातर तो पुराने वर्जन में ही आती है ये प्रॉब्लम। और यार जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है एप्लीकेशन क्रैश की। तो यार जैसे आपने देखा होगा कि हम आर्ट वर्क बना रहे हैं और जैसे भी हम मतलब इसमें कुछ ऐसा बनाते रहते हैं और अचानक से एप्लीकेशन हमारा हैंग हो जाता है, मतलब ऐसे अटक जाता है और वो एकदम से क्रैश हो जाता है और एप्लीकेशन क्लोज होकर ऐसे हमें बाहर चला जाता है, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन हमें दोबारा ओपन करना पड़ता है। तो जब हम एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हैं तब इसमें से मतलब कई चीज़ें हट जाती है, कई चीज़ें जो हमने बनाया है वो डिलीट हो जाती हैं। तो यार काफ़ी मेहनत करते हैं वो सब यूं ही डिलीट हो जाती है, तो कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो जिससे फिर हमारा आर्ट बनाने का भी मन नहीं करता। तो यार ये सी प्रॉब्लम तो लगभग दोनों वर्जन में आती है, जो मेरे वाले वर्जन में वैसे तो कभी कभार आती है मुश्किल से, बाकी जो पुराना वर्जन है उसमें तो आती रहती है। और मैंने जो पुराना वर्जन भी यूज किया है और नया वर्जन भी यूज किया है, तो वैसे तो मुझे तो नया वर्जन काफ़ी ठीक लगा है, तो बाकी आप देख लेना। और यार जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है लेयर्स गायब हो जाती है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ लेयर्स में क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे दो चार लेयर बना लेते हैं और भी ज़्यादा लेयर्स आर्ट वर्क की, तो वो सब अचानक से मतलब बनाते अपने आप से गायब हो जाती हैं। तो यार वो ऐसे गायब होते हैं मतलब उनको हम दोबारा ला भी नहीं सकते, आती नहीं है वो। तो यार उससे क्या है, फिर हमारा आर्ट वर्क पूरी मेहनत मतलब डिलीट हो जाती है, तो यार वो सब फिर हमें दोबारा से बनाना पड़ता है। तो यार ऐसी प्रॉब्लम तो अभी तक तो न्यू वर्जन में मेरे में तो आई नहीं है, एक बार आई थी बहुत पहले आई थी वो, तो उसके बाद तो अभी तक आई नहीं है। और जो पुराने वर्जन है उसमें तो आती रहती है ये प्रॉब्लम भी। और यार जो नया वर्जन है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए होते हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, एक्स्ट्रा टूल्स हैं यहाँ पे। तो यार वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से नए वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा है, और मैंने पुराना वर्जन भी यूज़ किया बट उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती थी, तो फाइनली फिर मैंने ये नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया और इसको मैंने पेड किया है। वैसे तो जो ये पेड होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पेड होता है मतलब सिर्फ एक बार ही होता है, जैसे एक बार अपन 320 रुपये का इसमें होता है जो भी वो पेड होता है ना,
वो 320 रुपये का होता है, जिसको एक बार ही करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये परमानेंट अपना एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो यार आप लोग भी कर सकते हो, ये पुराने एप्लीकेशन से तो ठीक ही है। तो यार आज के इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे जो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स बचता है तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Chuki got the sauce, bitch.